बेसिकली अगर आपको एक लाइन में कहूँ वुमेन राइट्स इन इस्लाम के इस्लाम इट्सेल्फ प्रीचेस कहता है एंड कुरान में भी लिखा है हदीस में भी प्रॉफिट ने भी बहुत बार कोट किया है कि वुमेन आर गॉड्स गिफ्ट टू अस यू नो एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली उनको ना नीचे ना ऊपर रखना चाहिए दे आर इक्वल बराबर के हैं तो वो मेन मुद्दा है इस शो का एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक बिकॉज इफ नॉट नाउ देन व्हेन यू नो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम फॉर द शो एंड अगर लोग पेशेंस से देखेंगे ना तो उनको वही नजर आएगा जो मुझे नजर आ रहा है एंड दे विल लव द शो आई एम ग्लैड कि इतने अच्छे शो के साथ में आ रही हूँ इश्क सुभान अल्लाह और अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आ रही हूँ विच इज़ ऑन बेस्ड ऑन ट्रिपल तलाक एंड वुमेन एम्पावरमेंट तो इट्स नाइस यार बहुत मज़ा आ रहा है करने में मज़ा आ रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि मेरे ऑडियंस और फैंस को भी बहुत अच्छा लगेगा हमने सिर्फ ट्रूथ दिखाया है कि क्या क्या सच्चाइयाँ हैं लोगों के क्या मिसकंसेप्शंस हैं उनने किस तरीके से ले रखा है और एक्चुअली ट्रिपल तलाक है क्या और क्या कुरान में लिखा है और किस तरीके से हमने ले लिया लाइक एक वक्त में दी गई तीन तलाक गलत है एक तलाक का एक कुरान में प्रॉपर वे दिया है जो हम फॉलो नहीं करते हमने उसको कुछ उल्टे उसमें ले रखा है तो वो हमने दिखाया है बहुत अच्छे से रिलीजन का बहुत अच्छा टच रखा है इस्लाम को बहुत खूबसूरती से दिखाया है अबाउट द शो देखिए मैं ट्रिपल तलाक तो एक छोटा सा मुद्दा है जो बड़े पिक्चर द जो बड़ा मुद्दा है जो मेन मुद्दा है असल में वो है वुमेन राइट्स इन इस्लाम एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रिपल तलाक तो एक जरिया है दिखाने का कि कहाँ पे कम ज़्यादा थोड़ी ऊपर नीचे 19-20 होती है वुमेन राइट्स को लेके इवन दो जो रिलीजन प्रैक्टिसेस इक्वल राइट्स मगर आज के ज़माने में ये कहाँ हम पहुँच गए कि वुमेन की इजाज़त नहीं ली जाती तीन बार इंस्टेंट तलाक बोल दिया तो मेरे लिए मेन मुद्दा शो का है वुमेन राइट्स इन इस्लाम तीन तलाक तो एक छोटा सा जरिया दिखाने का ज़ारा इज सच अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु नोज हाउ टू डील विद एवरीथिंग लाइक विथ एवरी सिचुएशन एंड उसको पता है कि मैं अगर अम्मा अब्बा के साथ हूँ तो कैसे मैनेज करना है कबीर के साथ हूँ तो कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को अपने पॉइंट्स कैसे रखना है बिना किसी के इंसल्ट किए शायद वो कबीर के साथ नहीं है कबीर की भी इंसल्ट नहीं करती है बट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ कॉन्फिडेंट इनफ और वो काफ़ी रिलीजन को जानती है ऑब्वियसली इस्लाम पढ़ा हुआ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सो उसको फैक्ट्स पता है कि क्या सही है क्या गलत है कुरान और हदीस में क्या चीज़ है क्या नहीं है तो दिस इज़ हाउ आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली बहुत टाइम के बाद कैमरे के पास आने का ऐसे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है एक किरदार निभा के दूसरे किरदार पे वर्क ऑन करना और वही मैं भी कर रही हूँ श्रद्धा से निकल के अब जीनत की ज़िंदगी जीना चाहूँगी और बहुत अलग किरदार है बहुत ही अलग रिलीजन एक पूरा ऑल टुगेदर डिफरेंट योनर है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विद दिस कैरेक्टर अभी तक तो फिलहाल बहुत ही अच्छा जा रहा है आगे देखते हैं इंशाल्लाह और अच्छा जाएगा इश्क सुभान अल्लाह में आई एम प्लेइंग कबीर अहमद भाभी एंड बहुत ही प्यारी है दुलारी है कहीं ना कहीं लखनऊ से बिलोंग करती है तो वो तहजीब वो हया शर्म जो सास ससुर के सामने होती है वो है पर बहुत अपफ्रंट है गलत नहीं सहन करती है सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेती है पर कभी कभी सेल्फिश हो जाती है और वो उसकी जो स्टैंड्स हैं वो गलत मायने में देखे जा सकते हैं सो एज इफ नाउ अभी तक की जो स्टोरीज मैंने अभी तक शूट की हैं शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आगे चल के देखते हैं कि आप सब लोग मुझे किस तरीके से और किस किरदार में एक्सेप्ट करते हैं हाय दिस इज दिव्यांका त्रिपाठी हाय दिस इज अनेरी बजाली हाय दिस इज मी जिज्ञासा सिंह हाय गाइस दिस इज कुशाल टंडन हाय दिस इज सोनल वेंगुलेकर हाय दिस इज अली गोनी एंड यू आर वाचिंग टेलीशो एंड यू गाइस आर वाचिंग टेलीशो कीप वाचिंग योर फेवरेट चैनल टेलीशो कीप वाचिंग टेलीशो यू आर वाचिंग टेलीशो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन टेलीशो